के ऊपर। एसी स्टार्ट करने से पहले तुम्हें मैं कुछ बेसिक बातें बता दूं। हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो आता है अल्टरनेटिंग करंट का। क्या होता है एसी और क्या होता है डीसी, क्या क्या इसके फायदे हैं, जनरेशन कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसा ये दिखता है, सब की बात अपन करने वाले हैं आज इस चैप्टर में। तो एसी स्टार्ट करने से पहले तुम्हें मैं बता दूं कि एसी का मतलब क्या होता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग मतलब ऐसा करंट जो अपना साइन बदले, अल्टरनेटिंग यानी कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। अब एसी क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एसी समझने से पहले डीसी का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक बार बताओ, मैंने बोला ये V है और ये मेरा T है, ये वोल्टेज है टाइम। अगर वोल्टेज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू V नॉट है, टाइम चाहे तुम कुछ भी कर लो, दिस काइंड ऑफ वोल्टेज इज नोन एज डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज बोले तो डायरेक्ट करंट वोल्टेज, डीसी वोल्टेज इसको बोलते हैं, डीसी वोल्टेज। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि सपोज करो मेरा जो वोल्टेज है वो अल्टरनेटली टाइम के साथ बदल रहा है, देखो कभी पॉजिटिव इतने टाइम पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये अल्टरनेटली चेंज हो रहा है, तो दिस काइंड ऑफ वोल्टेज इज नोन एज एसी वोल्टेज। यही बात समझ में। अगली बात तुमसे करता हूँ मैं, अगली बात समझना क्या होता है। अगर मैं तुमसे एक बात बोलूँ, समझना इस चीज़ को जी, क्या ये एसी है? ये भी एसी होगा, ये भी एसी होगा, क्योंकि टाइम के साथ देखो पॉजिटिव निगेटिव, क्या ये एसी है? ये भी एसी होगा क्योंकि टाइम के साथ ये भी बदल रहा है। तो एसी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जो एक फिक्स टाइम के बाद अपने चीज़ को मतलब निगेटिव हो पॉजिटिव हो और रिपीट करे, पीरियोडिकली हो, निगेटिव पॉजिटिव पीरियोडिक फंक्शन हो, तो वो अपना एसी कहलाएगा, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। आ रही बात सुन में। जनरली हम लोग घर में हमारे सप्लाई आता है वो एसी का आता है, हम लोग डीसी का यूज़ नहीं करते। डीसी क्या होता है, जैसे बैटरी हुआ, बैटरी इज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, बैटरी क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। हम लेकिन जनरली एसी का यूज़ करते हैं, हमारा जो सप्लाई आता है वो एसी आता है, वो डीसी नहीं आता। बहुत सारा फायदा है एसी का ओवर डीसी, ऐसी बात नहीं है कि डीसी का फायदा नहीं है, डीसी का भी फायदा है, बट एसी का फायदा डीसी के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। क्या क्या एसी का फायदा होता है, क्यों एसी यूज़ करते हैं, इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जान के चलो कि एसी का फायदा डीसी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एसी क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, इस तरह का है। इनमें से कौन सा सप्लाई हमारे घर में आता है, इतने सारे एसी में हमारे घर में कौन सा आता है, तो हमारे घर में आता है ये साइनोसोडल एसी वोल्टेज। कौन सा आता है हमारे घर में, आता है साइनोसोडल एसी वोल्टेज। अब तुम बोलोगे बाकी ये दोनों क्यों नहीं आता है, हमारे घर में यही क्यों आता है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन इजी होता है इन कंपैरिजन टू इन दोनों का प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन आसान होता है, इस तरह का साइनोसोडल एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करना आसान होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, रिपल रिपल बहुत सारी चीज़ तुम आगे पढ़ोगे जब तुम इंजीनियरिंग कर रहे होगे। फिलहाल ये जान के चलो कि इसका प्रोडक्शन आसान होता है, क्यों प्रोडक्शन आसान होता है इसके बारे में अपन ब्रीफ में चर्चा करेंगे, डोंट वरी। बट फिलहाल ये जान के चलो कि इनका प्रोडक्शन आसान होता है, इसीलिए अपन इसको यूज़ करते हैं, इनको यूज़ नहीं करते। अब पहली बात कि एसी वोल्टेज कैसे बनाया जाता है, डीसी वोल्टेज तो हमारा बैटरी हो गया, अब एसी वोल्टेज कैसे उत्पन्न किया जाता है या कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, अपन इसकी बात करते हैं। पहले तो जान के चलो कि डीसी वोल्टेज होता है उसका कहाँ कहाँ यूज़ आता है। डीसी वोल्टेज का भी यूज़ आता है जो अपन लिफ्ट में मॉल में तुम जो सीढ़ी देखते हो, एक्चुअली वो डीसी में काम करता है, लीनियर इंडक्शन मोटर। और भी बहुत सारा डीसी का यूज़ है, ट्रेन में अपन डीसी करंट का यूज़ करते हैं, ट्रेन लोकोमोटिव में उसमें डीसी करंट का यूज़ होता है, जो अपना टेस्ला जो गाड़ी निकालता है, कार निकालता है, जो इलेक्ट्रिक कार होते हैं, इलेक्ट्रिक कारें होती है, उसमें भी डीसी होता है, एसी यूज़ अपन नहीं करते हैं। आ रही बात सुनिए, तो हमारे घरों में जो बच्चों सप्लाई होता है वो अपना किसका होता है, वो एसी का होता है। बहुत सारा फ़ायदा होता है एसी का, आगे तो मैं बताऊंगा कि एसी का ट्रांसमिशन बहुत कम लॉस में करवाया जा सकता है। जैसे कि ट्रांसमिशन बोले तो तुम समझोगे क्या होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे कि मान लो आज मेरा पावर स्टेशन जो है वो मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर है, तो 500 किलोमीटर दूर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जो मेरे घर पे आ रही है, तो बीच में ट्रांसमिशन लाइन होता है, तार के थ्रू आएगी। अब उस तार में क्या होगा, अगर डीसी वोल्टेज होता तो उस तार में बहुत सारा लॉस हो जाता है डीसी का, एसी का लॉस कंपेटिवली डीसी के बहुत कम होता है। इसीलिए ये सबसे बड़ा फायदा है कि एसी का लॉस डीसी के कंपेरिजन में थोड़ा कम होता है, इसीलिए अपन उसका यूज़ करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, प्रोडक्शन। अब चलो एसी कैसे प्रोडक्शन होता है ये देखते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ देखना नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, बीच में एक कॉइल होता है, कॉइल
नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रखा होता है। तो इसको देखने के लिए, अच्छे समझने के लिए, इसको तुम ऊपर देखो। ऊपर से देखोगे तो तुम्हें मोर और लेस पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। देखना, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, बीच में रेक्टेंगुलर क्वाइल है, रेक्टेंगुलर क्वाइल है बीच में रहेगा। ये रेक्टेंगुलर क्वाइल घूम रहा होगा, रेक्टेंगुलर के क्या कर रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर क्वाइल घूम रहा होगा, ऐसे कुछ होगा पिक्चर। अब क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बीच में रेक्टेंगुलर क्वाइल घूम रहा है, बीच में ये स्लिपरिंग लगी हुई है। क्या लगी हुई है, बीच में ये स्लिपरिंग लगी हुई है। अब समझना इस चीज को होता क्या है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्वाइल अगर घूमेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब ये क्वाइल अगर टर्न लेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तुम्हें मैं बताया हूं, फ्लक्स चेंज तीन तरीकों से कर सकते हैं, एक बी को चेंज कर दो, एक एरिया को चेंज कर दो, या फिर ना तो बी को चेंज करो ना तो एरिया को चेंज करो, एरिया का ओरिएंटेशन चेंज कर दो। ये थर्ड टाइप है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये एरिया वेक्टर, पहले एरिया वेक्टर किधर था, बाहर था, हमने इसको क्वाइल को घुमाया तो एरिया वेक्टर मेरा टर्न ले रहा है थीटा। अब एरिया वेक्टर मान लो टर्न ले लिया थीटा, सपोज करो एरिया वेक्टर थीटा एंगल टर्न ले लिया, मैंने ऐसे करके ऐसे घुमा दिया, एरिया वेक्टर थीटा एंगल टर्न ले लिया। अगर एरिया वेक्टर थीटा एंगल टर्न लिया, ओमेगा से ये कॉइल घूम रहा है, तो क्या मैं थीटा को ओमेगा टी बोल सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है, थीटा को ओमेगा टी बोल सकता हूं। तो मैं अब क्या बोल रहा हूं, अब जो इससे फ्लक्स पास हो रही है फाई, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, फ्लक्स क्या होता है बी डॉट ए, दैट इज इक्वल्स टू मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो फाई विल बी मॉड ए कॉस थीटा, क्या है ओमेगा टी, थीटा क्या है, थीटा है ओमेगा टी। तो तुम देखो तो ये फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएट करो डी फाई बाई डी टी माइनस के साथ विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। जो इंड्यूस ईएमएफ ई आया, जो इंड्यूस इसके क्रॉस, जो इंड्यूस ईएमएफ ई आया इस दो वायर के क्रॉस, इसके घूमने की वजह से इन दो टर्मिनल के बीच में इंड्यूस ईएमएफ आया, जिसकी वैल्यू आ गई बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस इंड्यूस ईएमएफ को मैं लिखूंगा ई बराबर ई मैक्स साइन ओमेगा टी, जहां ई मैक्स जो है वो है बी ए ओमेगा, जहां ई मैक्स कितना है, ईमैक्स है बी ए ओमेगा, आ रही बात सुनने, ई बराबर ई मैक्स साइन ओमेगा टी, जहां ई मैक्स कितना है, ई मैक्स है बी ए ओमेगा, आ रही बात सुनने। इसी वजह से जो यहां पे तुम देखो तो ये साइन का फंक्शन आया है मेरा वोल्टेज, वोल्टेज क्या आया है, इसको तुम ऐसे लिखते हो देखोगे वी एम साइन ओमेगा टी, वोल्टेज एक्चुअली मेरा एक साइन का फंक्शन आया है। इसी वजह से हम लोग के घर में जो सप्लाई आता है वो साइनोसोडल एसी आता है, ना कि कोई और आता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन किसका इजी हुआ, हमने इसको घुमाकर साइनोसोडल वाला प्रोडक्शन कराया, साइनोसोडल इसको घूमने की वजह से जो एसी का प्रोडक्शन हुआ वो साइनोसोडल हुआ। इसी वजह से हमारे घर में जो भी एसी का सप्लाई आता है वो साइनोसोडल प्रोडक्शन होता है, आ रही बात समझ में। ये मेन बात एसी में अपने को यही ध्यान में रखना है कि एसी में साइनोसोडल प्रोडक्शन वाला एसी हमारे घर में सप्लाई आता है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन इजी है, बाकी का प्रोडक्शन आसान नहीं होता है। यहां बी ओमेगा क्या हो गया, तो ये हो गया वी मैक्स, आ गई बात समझ में। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी टू ओमेगा अपॉन टू पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी ओमेगा अपॉन टू पाई। अब ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन टू पाई हर्ज हो गई। मैंने बोला कि इंडिया में एसी का सप्लाई कितने फ्रीक्वेंसी का आता है, तुम्हें बताओ रचिए, अगर तुमने कभी सुना होगा तो हमारे पास 50 हर्ज का एसी आता है, सुना क्या, इंडिया में 50 हर्ज का एसी आता है। 50 हर्ज मतलब क्या हुआ, इंडिया में जो भी कॉइल है वो एक सेकेंड में 50 बार घूमता है, इंडिया में जो भी कॉइल है वो एक सेकेंड में 50 बार घूमता है, इसलिए हमारे इंडिया में जो सप्लाई आता है वो आता है 50 हर्ज, आड़ी बात समझ में, वो क्या आ रहा है 50 हर्ज, यानी 50 चक्कर लगाएगा वो एक सेकेंड में, आड़ी बात समझ में। तो हमारे इंडिया में ये सप्लाई आता है, या फिर तुम ऐसा सोच लो एक सेकेंड में 50 चक्कर, तो एक मिनट में 50 गुना 60, 50 × 60 दैट इज इक्वल्स टू 3000 RPM रोटेशन पर मिनट, यानी कि 300 RPM से वो घूम रहा होता है कॉइल, 300 RPM से वो कॉइल घूम रहा होता है इंडिया में।
अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में सप्लाई आता है 60 हर्ट्ज का, 60 हर्ट्ज एसी आता है अमेरिका में। अमेरिका में जो क्वाइल घूम रहा होता है वो 60 टर्न लेता है एक सेकंड में। अरे बात सुनिए, तो हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। अगर हमारा सप्लाई 60 हो जाए, 60 से घूमने लग जाए, तो हो सकता है कि बहुत सारा अप्लायंस हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम ही ना करे। तो 50 हर्ट्ज मतलब क्या हुआ कि इसका जो क्वाइल है, वो एक सेकंड में 50 बार चक्कर ले रहा है इंडिया में, और अमेरिका में 60 बार चक्कर ले रहा है, या 300 आरपीएम बोल दो। तो ये सप्लाई हमारा किसका होता है, एसी का सप्लाई होता है इंडिया में। अरे ये बात सुनिए, ये सारा कुछ जो हमने बात किया, ये इंडिया की बात की, हर्ज वर्ड जो भी है, तो ये एसी में ये सारी बातें, बेसिक बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। सप्लाई कैसे करते हैं, क्या होता है, यहाँ पर स्लिपिंग होती है। स्लिपिंग क्या होती है कि अपना वो घूमता रहे, वो उसके ऊपर वायर घूमता रहे, टर्न ना करे, इसलिए हम क्या करते हैं, इस वायर को उसके ऊपर स्लिप करवाते हैं। आड़ ही बात सुन, बहुत सारी चीज़ें जब तुम इलेक्ट्रिकल ब्रांच लोगे इंजीनियरिंग में, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। ये फिलहाल तो अपने को इतना ही जानना है, एसी का सप्लाई इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है। साइनोसोइडल एसी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपन, ये इस तरह का रैंप हुआ या ये सब नहीं प्रोड्यूस कर सकते, स्टेप फंक्शन ये सब नहीं प्रोड्यूस कर सकते। बस इतना फिलहाल तो एसी का बेसिक नॉलेज हुआ, यानी कि अब मेरा वोल्टेज जो आएगा वो आएगा वीएम साइन ओमेगा टी। अपने को वीएम साइन ओमेगा टी के साथ ही डील करना है, इसके साथ करंट कितना होगा और भी बहुत सारी चीज़ बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।